हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक ऐसी दाल बनाने जा रहे हैं जो मुंबई की फेमस दाल है। तो इसको जो है भेल भाल दाल बोलते हैं, मतलब मिक्स दाल। इसमें हर तरह का दाल मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसे हम आज बनाने जा रहे हैं और बाकी की रेसिपी हम बाद में बताएंगे। और इसको हम कम से कम 20 मिनट के लिए पानी में इसको धो करके अच्छे से भिगो देंगे। तो यहाँ पर भेल भाल दाल के लिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक यहाँ पर प्याज ली हूँ, दाल में जाएगा। 5-6 हरी मिर्ची काटी हूँ, थोड़ा सा अदरक है टेस्ट के लिए। इससे बहुत टेस्टी दाल बन जाता है। और यहाँ पर देखिए, आज हम पंजाबी तड़का मार के दाल बनाएंगे। तो 1/4 किलो यहाँ पर टमेटो ली हूँ, अभी सीजन है तो मैं थोड़ा ज़्यादा टमेटो ली हूँ, अच्छा लगता है, इससे अच्छा बनता है दाल। और बघार के लिए देख लीजिए, यहाँ पर आधा प्याज है, थोड़ा सा करस किया हुआ लहसुन है, और ये चिल्ली फ्लेक्स है। ये तीन चीज़ बघार में जाएगा। और थोड़ा सा हम जीरा ले लेंगे, और धनिया है, धनिया तो ज़रूर डालिए दाल में, धनिया से बहुत टेस्टी दाल बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुकर है, कुकर में 1/4 किलो के अंदाज मैंने पानी चढ़ा दी, पानी गर्म हो चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले दाल को ऐड कर देंगे, दाल भिगाया हुआ है। तो यहाँ पर दाल को देखिए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए नमक नहीं ली हूँ, तो दाल के हिसाब से नमक लेना है। तो 1 चम्मच हो गया, थोड़ा सा अब ले लेंगे। अगर आपको अगर कम लगे तो बाद में चेक करके भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, पहले कम डालिए, ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा हल्दी ले लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच, और आपको अगर पसंद है तो भुक्की मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम भुक्की मिर्ची नहीं ऐड करेंगे, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा तेल ले लेंगे। तेल लेने से क्या होता है, दाल ऊपर नहीं आएगा उबालने में। और यहाँ देखिए ये जो प्याज, हरी मिर्ची, अदरक है, ये सबको ऐड कर देंगे यहाँ पर। अभी ढक्कन लगा करके कम से कम 20 मिनट तक पकाना है दाल को, क्योंकि भीगा हुआ दाल है तो जल्दी पक जाएगा। तो देखिए अभी वक्त के 3:23 हो चुका है, तो 4 बजे के पहले दाल पक जाएगा। मतलब यहाँ पर दाल देख लेते हैं दाल किस तरह से पका है। देखिए दाल माशाला से पक गया, पानी भी सूख गया है। और यहाँ पर देखिए आज आलू भी फ्राई हो रहा है, तो हमें रोटी बना है तो उसी में आज आलू फ्राई कर लेते हैं। कि हम 1 चम्मच के अंदाज नमक ऐड कर देंगे, और इसकी रेसिपी जो है बाकी के बाद में बताएंगे, इसमें और भी कुछ जाने वाला है। हल्दी ले लेंगे। ये तवे में जो हम आलू को फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता खाने में। तो यहाँ पर देखिए आलू यहाँ पर फ्राई हो चुका है, फिलहाल यहाँ पर चूल्हा को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल को थोड़ा हम घोट लेंगे अच्छे से। और यहाँ देखिए 1/2 लीटर के अंदर पानी चढ़ाई हूँ, गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से दाल अच्छा लगता है और दाल ख़राब नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर दाल मिला करके हो चुका है, और यहाँ पानी भी गर्म हो चुका है अच्छे से। तो आज हम लोखन की कढ़ाई में दाल बघारेंगे। तो यहाँ इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, आपको कितना पानी लगेगा फैमिली के हिसाब से पानी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दाल बनाना है, और ऐसी दाल बनाइए कि उंगली चाटते रह जाइए। यहाँ पर कढ़ाई देखिए गर्म हो चुका है, तेल ले लेंगे, कम से कम 50 ग्राम से ज़्यादा तेल लेंगे। 2 चम्मच तेल हो गया, थोड़ा और ले लेंगे। तेल अच्छा गर्म होने देना है। बघार के लिए थोड़ा सा जीरा ले लेंगे। देखिए जीरा हो चुका है, तो यहाँ पर प्याज ले लेंगे, लहसुन ले लेंगे, और ये चिल्ली फ्लेक्स का इसको हम बाद में डालेंगे। फिर टमाटर के लिए हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे, दाल में नमक कम पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये ब्राउन कलर का भुनना है, यहाँ पर तेजपत्ता डाल देंगे। अब यहाँ पर हम चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, हल्का सा भून लेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये भुना हुआ है, घर में बनाई थी मैं चिल्ली फ्लेक्स, रेसिपी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर टमाटो को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ढक्कन डाल के 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 1 चम्मच घी ले लेंगे दाल के लिए, घी से क्या है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है खाना के लिए। यहाँ पर देख लेंगे, तो देखिए टमाटर मसाला फिर से पक गया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो आज की रेसिपी है भेल भाल दाल पंजाबी तड़का मार के। मैं महाराष्ट्र की, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वे महाराष्ट्र का फेमस दाल है भेल भाल। धनिया यहाँ पर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे हल्का।
हम यहाँ पर दाल कोट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल बघार के हो चुका है, इसको उबालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें गर्म पानी जा चुका है। तो यहाँ पर हम फिलहाल चूल्हा को ऑफ कर देंगे, फिर हम डालेंगे। तो देखिए गरम गरम दाल चावल बन के हो गया है तैयार। और यहाँ पर देखिए आज के खाने में रोटी भी बनी है माशाल्लाह, और आलू फ्राई है, चावल है। तो आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान।